अगर मैंने एक गलती कर दी, मैं कोई गलती नहीं करी, तुम नेता नगर कुछ भी नहीं। ये देखो अभी फिर अगर मैंने विधायक की लड़की से शादी कर ली तो तुझसे गलती नहीं करी। विधायक की लड़की कहाँ से? क्या मतलब? बीजेपी के कद्दावर नेता और बरेली से विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल की बेटी साक्षी और अजितेश की प्रेम कहानी तो आपको याद ही होगी। वही साक्षी जिसने अपने पिता के खिलाफ जाकर अजितेश से शादी की थी। आज ये दोनों दंपत्ति फिर से चर्चा में हैं। लेकिन आज चर्चा का केंद्र इस बार साक्षी नहीं बल्कि उनके पति अजितेश हैं। जी हां, आरोप है कि अजितेश ने बरेली में बाइक से जा रहे एक व्यक्ति को महज इस बात के लिए पीट दिया क्योंकि उसने अजितेश की एक्सयूवी को ओवरटेक करने की जरूरत कर दी। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि अजितेश ने उस व्यक्ति का मोबाइल भी छीन लिया और उसे जान से मारने की धमकी भी दे डाली। लेकिन इस दौरान अजितेश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जरूर वायरल हो गया। मार लिया ना भाई जीवर के। मैं तो अभी कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये खून निकल रहा है ना। ठीक है जाओ, सब खड़े हैं यहाँ पे, बैठो गाड़ी में, बैठो भाई आराम से, बैठो गाड़ी में, बिल्कुल बिंदास बैठो गाड़ी में। गाली तुमने भाई शरीफ आदमी पे हाथ उठाया है। मैंने एक भी गाली नहीं बकी, तुम्हारे बड़े भाई ने तुमने गाली दो तो पिटाऊंगा। हाथ उठाए गाली दो तो पिटाऊंगा। गाली भाई तू यार एक गलती कर दी। कोई गलती नहीं करी मैं भाई, एक गलती मैंने कर दी। अगर मैंने एक गलती कर दी, तुमने कोई गलती नहीं करी, तुम नेता नगर नगर कुछ भी नहीं। भैया इसके बाद का तो हम आपको सुना नहीं सकते क्योंकि इसके बाद तो सिर्फ अपशब्द ही बचे हैं। लेकिन प्रेम नगर पुलिस ने शिकायतकर्ता की तहरीर पर दबंगई दिखाने वाले अजितेश और उनके साथ मौके पर मौजूद एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। अब सलाखों के पीछे पहुंचने के बाद सुनिए अजितेश का क्या कहना है। मैं पूरा मामला ये बताना चाहता हूँ। मैं जा रहा था भैया को घर छोड़ने, रास्ते में एक बाइक थी, आगे पीछे हुई, मैंने रोका, वो बदतमीजी करने लगा। ठीक है, उसके बाद जो भी हुआ वो सब आप, मैं ये चाहता हूँ कि सीसीटीवी फुटेज देख ली जाए वहाँ की, ओवरऑल जो भी हुआ है। आप साजिश की बात कर रहे हैं, क्या है इसकी, कौन किसकी साजिश है? साजिश यही है कि उस टाइम भी मेरे लिए कहा जा रहा था कि इस पर मुकदमे चल रहे हैं, इस थाने में मुकदमे चल रहे हैं, प्रेम नगर थाने में मुकदमा चल रहा है। मैं प्रेम नगर थाने में यूँ देख लिया जाए कि मुझ पर कौन सा मुकदमा चल रहा है, आज मुझे यहाँ ला करके बंद कर दिया गया। जो भी किसी की भी साजिश हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ओवरऑल जो भी है मुझे यहाँ परेशान किया जा रहा है। मुझे इंस्पेक्टर साहब ने मारा है सिर्फ ये कह करके कि इसके साथ गनर चलते हैं, ये गुंडाई करता है। तो मैं इंस्पेक्टर साहब से और सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने एक अभी तक 7-8 महीने में कहाँ गुंडाई कर दी, किससे बदतमीजी कर दी और क्या कर दिया। बहरहाल अजितेश ने पूरे मामले को साजिश बताया, लेकिन सुनिए उस बाइक सवार का क्या कहना है। मैं अपने फ्रेंड के बाबा हैं, उनको सांस की थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो किशोर केमिस्ट से एयरपोर्ट कैप्सूल्स में लेके आ रहा था, दुकान बंद थी इस वजह से दवा लेके नहीं आ पाया था। सिलेक्शन पॉइंट जो है चौराहे की बात है, वहाँ पे एक्सयूवी गाड़ी, ये अजितेश जो कि साक्षी के हस्बैंड हैं और पप्पू भरतौल के फैमिली वगैरह के कुछ जान पहचान के हैं, तो ये लोग कुछ आ रहे थे अपनी गाड़ी वाली से, पूरी तरह ड्रिंक किए हुए थे ये लोग, और मैंने अपनी गाड़ी इनसे ओवरटेक करने की कोशिश की। मैं बाइक से था, ये लोग कार से थे, तो फिर इन लोग को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि एक बाइक एक कार को कैसे ओवरटेक कर सकती है। इसकी वजह से इन लोगों ने मेरी बाइक के आगे जो है कार रोक ली और कार को बीच रोड पे लंबा लंबा लगा के मेरी बाइक जो है गिरा दी। ये दो लोग थे, दोनों ने उतर के, मैं इतनी देर में समझता क्या बात है क्या बात नहीं है, मेरे को मारना पीटना शुरू कर दिया। मेरे सर में चोट आई है, थोड़ा सा खुल गया पीछे से, ये आप आँख देख ही सकते हो, थोड़ी सी स्वेलिंग हो रही है इसमें। खैर, पुलिस ने अजितेश पर लूट तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार अजितेश इस तरह के मामलों की वजह से खबरों में रहे हैं और हर बार पूरे मामले के पीछे विधायक का हाथ होने की बात कहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो पुलिस की तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा।